हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। पहले दिन जहां ये फिल्म कमाई के मामले में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन गई, वहीं दूसरे दिन की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है तहलका। पहले दिन फिल्म ने 29 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 33 करोड़ का आंकड़ा छू डाला है। इस तरह से दो दिन में ही फिल्म ने 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ऐसे में रेस 3 को एक फिल्म से मिल रही है कड़ी टक्कर। इतना ही नहीं, फिल्म ने रेस 3 को कमाई के मामले में छोड़ दिया है पीछे। आपको बता दें कि रेस को दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म बॉर्डर ने बुरी तरह पीटा है। बिहार में लोग रेस 3 के बजाय निरहुआ की फिल्म बॉर्डर को पसंद कर रहे हैं। बिहार में निरहुआ की फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि रेस 3 के रिलीज होने के बाद भोजपुरी में बनी बॉर्डर के बिजनेस पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन बिहार के दर्शकों ने चौंका दिया है। बिहार में रेस 3 और बॉर्डर को लगभग बराबर स्क्रीन्स मिली हैं। उसके बावजूद रेस 3 नहीं बल्कि निरहुआ और आम्रपाली दुबे की फिल्म का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। बिहार में बॉर्डर के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। वैसे निरहुआ ने फिल्म का प्रमोशन भी काफी अलग अंदाज में किया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म रेस 3 को बेच कर देगी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।